क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, मेरी लाइफ पार्टनर बन के? यस। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अपने माइंड ब्लोइंग डांस से इंडियाज बेस्ट डांसर में धूम मचाने वाले मुकुल को तो आप लोग जानते ही होंगे और उनके परफॉर्मेंसेस को भी देखा ही होगा। टैलेंट के दम पर नाम बनाने वाले मुकुल और उनकी गर्लफ्रेंड सोना आज सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है और आए दिन इनके वीडियोज ट्रेंड करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने मुकुल और सोना की दुख भरी कहानी को नहीं सुना, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना समय बर्बाद किए। किस मई 1999 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के का जन्म हुआ, जिन्हें आज सब मुकुल गेन के नाम से जानते हैं। इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा और दो भाई है जो कि डांसर है। सभी पेरेंट्स की तरह मुकुल के पेरेंट्स भी चाहते थे कि मुकुल पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जॉब सिक्योर कर ले, लेकिन मुकुल को तो कुछ और ही बनना था। मुकुल को बचपन से ही डांस करना बहुत पसंद था और मुकुल जब 11 साल के थे तो उन्होंने ठान लिया था कि वो बस बनेंगे तो डांसर ही बनेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि उनका पढ़ाई में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और 12th क्लास के बाद मुकुल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और डांस में ही कुछ बड़ा अचीव करने का सोच लिया था। ये डांस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ ऑडिशन भी देने लगे। मुकुल एक बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी वो ऑडिशन की फीस भरकर ऑडिशन दिया करते थे, लेकिन वो हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। मुकुल ने बहुत से ऑडिशन दिए लेकिन उन्हें कहीं पर भी सेलेक्ट नहीं किया गया। तो फिर उन्होंने साउथ इंडिया में ऑडिशन देने को सोचा और साउथ इंडिया के एक तेलुगु रियलिटी शो में ऑडिशन दिया, जिसमें वो सेलेक्ट हो गए, लेकिन वो शो नहीं जीत पाए। और फिर मुकुल ने साउथ इंडिया के कई शोज में ऑडिशन दिया जहां वो हर बार सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन वो विनर कभी नहीं बन पाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया के फेमस शो डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट किया, जहां इन्हें थोड़ी सी पहचान मिली, जहां ये फाइनलिस्ट बने, लेकिन वे शो फिर भी नहीं जीत पाए। मुकुल का कहना है कि वो कभी भी किसी शो के विनर नहीं बने, वो एंड तक पहुंचकर भी फाइनलिस्ट बनकर रनर अप ही रह जाते हैं। फिर मुकुल ने इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में पार्टिसिपेट किया, जहां से इन्हें बहुत पहचान मिली और साथ ही इन्होंने सोना डे के साथ अपने रिलेशन को पब्लिक भी किया। यहां तक कि इन्होंने शो के जजेस के सामने अपनी गर्लफ्रेंड सोना डे को प्रपोज भी किया। इनकी लव स्टोरी को जानने से पहले चलिए जानते हैं कुछ सोना डे के बारे में भी। सोना डे का जन्म 19 अक्टूबर 1999 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। सोना एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है। सोना की फैमिली में इनके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। सोना को भी डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेकिन इन्हें पहचान मुकुल गेन की गर्लफ्रेंड के नाम से ही मिली है। मुकुल और सोना की मुलाकात एक डांस रियलिटी शो के दौरान ही हुई थी। जब मुकुल अपने स्ट्रगलिंग फेस में थे, तब वे साउथ इंडिया में ऑडिशन देने के लिए गए थे और सोना भी ऑडिशन देने के लिए आई हुई थी। जब इन दोनों की मुलाकात हुई, क्योंकि ये सेम स्टेट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, एक बार सोना ने डांस के लिए मुकुल से हेल्प मांगी और मुकुल ने उनकी हेल्प की और वहीं से ये दोनों दोस्त बन गए। और उसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई और अब ये रिलेशनशिप में है और मुंबई में रहते हैं। मुकुल और सोना आज मिलकर रील्स वीडियोस बनाते हैं। ये दोनों आज काफी फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इनकी वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं और इन्हें पसंद भी करते हैं। और अगर बात करें इनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग की, तो मुकुल गेन के इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन फॉलोवर्स है और वहीं सोना के इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोवर्स है। और इसी के साथ इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और इस पर ये व्लॉग्स अपलोड करते हैं। और मुकुल और सोना भी शादी नहीं करना चाहते, वो कहते हैं अभी हम बहुत छोटे हैं। तो ये थी मुकुल और सोना की प्यारी सी लव स्टोरी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।